वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इग्नू वाला पर। और इग्नू वाला आपके लिए फिर वही क्लास जो हमारी चली ही रही थी, पहले इस सिलेबस को कंप्लीट करते हैं। कुछ मेरे भाई बहुत ज़्यादा परेशान है इस चीज़ को लेकर कि सर थोड़ा सा ना कल एक पेपर है हमारा जिसके सब्जेक्ट कोड, ये दो सब्जेक्ट कोड वो बता रहे हैं, BECC 133 134। तो भाई टेंशन मत लो, अभी इनकी अभी बिल्कुल इस क्लास के बाद इनकी मैं बुक खोलूंगा। अभी आपके लिए टेंशन मत लो, इनके लिए भी बुक खोलूंगा और मेन मेन टॉपिक मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से पढ़ के जाने, बिल्कुल टेंशन मत लो। फिलहाल मेरे को इसका सिलेबस कंप्लीट करा लेने दो क्योंकि इसकी मैंने जिम्मेदारी ली है, ये एक क्लास और ले लूँ मैं, उसके बाद इसी पे ही आऊँगा आपके, डन। चलिए इस क्लास को थोड़ा सा फोकस करेंगे जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने आपको इसके कई ब्लॉक कराए थे, तो जब मैंने आपको इसका ब्लॉक फर्स्ट कराया था भाई, इस सब्जेक्ट कोड का जब मैंने आपको ब्लॉक फर्स्ट कराया था तो उसमें मैंने आपको आपूर्ति के बारे में नहीं बताया था। मांग का सिद्धांत तो हमने पढ़ लिया था, आज हम बात करेंगे आपूर्ति का सिद्धांत। मेरे भाई क्या पढ़ने वाले हैं अब हम पढ़ेंगे आपूर्ति के सिद्धांत के बारे में कि पूर्ति क्या होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक व्यक्ति द्वारा बाजार में खरीदी गई वस्तु की मांग को हम मांग कहते हैं और एक उत्पादक द्वारा बाजार में वस्तु को बेचना पूर्ति कहलाता है। तो पूर्ति की अब हम बात करेंगे, आपूर्ति के सिद्धांत को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा, इसमें छोटा सा फोकस आपको ये करना है कि जब हम उत्पादन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं मेरे भाई, हम उत्पादन की बात करते हैं, उत्पादन। तो उत्पादन वाला तो आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा ही होगा कि उत्पादन क्या होता है। उत्पादन होता है किसी वस्तु को, किसी कच्चे माल को, ऐसे लिख सकते हो आप, किसी कच्चे माल को मूल्यवान वस्तु में बदलना, मूल्यवान वस्तु में बदलना। बिल्कुल कॉमन सी डेफिनेशन है, मूल्यवान वस्तु में बदलना। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, उत्पादन कहते हैं। प्रोडक्शन क्या होता है, कच्चे माल को मूल्यवान वस्तु में बदलना प्रोडक्शन कहलाता है। अब उत्पादन के अंदर होता क्या है मेरे भाई, उत्पादन के अंदर जो जो चीज़ें इस्तेमाल होती है, जिसे आप इंग्रेडिएंट्स कहते हैं नॉर्मली, है ना, तो इसके अंदर फैक्टर्स का इस्तेमाल होता है। उत्पादन करने में कारकों का इस्तेमाल होता है, किसका इस्तेमाल होता है मेरे भाई, उत्पादन में कारकों का इस्तेमाल होता है। और कारक होते हैं आपके दो प्रकार के भाई, कारक कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आपके स्थिर कारक, कौन से, स्थिर कारक, और एक होते हैं आपके परिवर्ती कारक। स्थिर कारकों को आप के से डिनोट करते हैं और परिवर्ती कारकों को आप एल से डिनोट करते हैं। स्थिर कारक क्या होते हैं, जैसे मशीन, और परिवर्ती कारक क्या होते हैं, जैसे आपका फॉर एग्जांपल आपके मजदूर, मजदूर को आप मजदूर ना कह के यहाँ पर कहेंगे श्रम, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था किसी भी वस्तु के उत्पादन में दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक तो होते हैं आपकी मशीनें यानी स्थिर कारक, और दूसरे होते हैं आपके श्रम, श्रम यानी कि मजदूर, परवर्ती कारक। अब इन दोनों के मिक्सचर से किसी भी वस्तु का उत्पादन आप नॉर्मली करते हैं और कर भी सकते हैं, इतनी बात तो आपको पता ही होगी मेरे भाई, डन। अब इससे आगे एक बात आप समझने की कोशिश कीजिए कि जब उत्पादन की प्रक्रिया में कारकों का इस्तेमाल किया जाता है तो एक मशीन होती है जिसे के से डिनोट करते हैं, यानी मशीन को हम पूंजी मानकर चलते हैं मेरे भाई, मशीन को क्या मानकर चलते हैं, पूंजी, और एल मतलब श्रम, एक प्रवृत्ति कारक होता है। अब अगर स्थिर कारकों की बात करें मेरे भाई, तो स्थिर कारक उत्पादन की प्रक्रिया में क्या होते हैं, स्थिर रहते हैं, यानी उत्पादन से इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उत्पादन बढ़े चाहे घटे, ये एक बार लगा दिए गए तो लगा दिए गए। फॉर एग्जाम्पल, आप ने एक मशीन अपने घर में लगाई जो कपड़ा बनाने की मशीन है, अब चाहे आप उस पर कपड़ा बनाओ चाहे ना बनाओ, आपका स्थिर कारक तो स्थिर तौर पे लगाया जा चुका है, लेकिन प्रवर्ती कारक होता है मजदूर, प्रवर्ती कारक बढ़ेंगे तो उत्पादन बढ़ेगा। तो ये बात आपको याद रखनी है कि जो स्थिर कारक होते हैं हमारे, जो क्या होते हैं मेरे भाई, जो हमारे स्थिर कारक होते हैं, इनका प्रोडक्शन के साथ कैसा संबंध होता है, उत्पादन के साथ कैसा संबंध होता है, ठीक है भाई। तो याद रखना है आपको कैसा संबंध होता है, स्थिर कारक चाहे बढ़ जाएं, चाहे स्थिर कारक घट जाएं, या फिर स्थिर कारक जीरो हो जाएं, प्रोडक्शन पर नो इफेक्ट, प्रोडक्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, प्रोडक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर बात करें हम परिवर्ती कारक की मेरे भाई, अब बात कर रहे हैं किसकी, परिवर्ती कारक की, जिसे मैंने अभी आपको बताया एल से डिनोट करते हैं। अगर प्रवर्ती कारक बढ़ते हैं तो हमारा प्रोडक्शन क्या होगा, बढ़ेगा, अगर प्रवर्ती कारक घटते हैं तो प्रोडक्शन घटेगा, और अगर प्रवर्ती कारक जीरो होते हैं तो हमारा प्रोडक्शन भी क्या होगा, जीरो। ये बिल्कुल ऐसी कंडीशन है, जीरो वाली कंडीशन क्या है, फॉर एग्जाम्पल मशीन पर आपने एक भी मजदूर नहीं लगाया, मजदूरों की संख्या क्या है मेरे भाई, जीरो हो जाएगी, तो आपका जो प्रोडक्शन होगा वो भी क्या होगा, हमेशा के लिए जीरो हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई, ये बिल्कुल बेसिक सी बात, अभी मैं चैप्टर पर नहीं आया हूँ, पहले चैप्टर का बेस आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए इतना आपको पता चल गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, अब आगे बढ़ते हैं, इतना कंटेंट मैंने आपको बता दिया। अब छोटी सी एक बात मेरी यहाँ समझने की कोशिश करना आप, जो अब मैं समझाऊंगा वो इम्पोर्टेंट होने वाला है। देखिए, एक उत्पादक नाम व्यक्ति का सुना होगा आपने, उत्पादक कौन होता है, प्रोड्यूसर, उत्पादक कौन होता है मेरे भाई, प्रोड्यूसर। और ये जो उत्पादक होता है ये वस्तु का क्या करता है मेरे भाई, ये वस्तु का करता है उत्पादन, डन। और उत्पादन ये किसका करता है, वस्तु का, किसी वस्तु का या सेवा का उत्पादन ही करता है, और इस वस्तु को उत्पाद कहते हैं,
इस वस्तु को प्रोडक्ट कहते हैं मेरे भाई, इस वस्तु को क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं, यानी इस वस्तु को हम प्रोडक्ट कहते हैं। और उत्पाद तीन प्रकार के होते हैं मेरे भाई, उत्पाद कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। सबसे पहला आता है टीपी, फिर आता है आपका एमपी, और फिर आता है आपका लास्ट में एपी। यही तीनें आज हमारा कंटेंट है कि कुल उत्पाद क्या होता है, औसत उत्पाद क्या होता है, और सीमांत उत्पाद क्या होता है। देखिए इनके बारे में थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। ये होता है आपका कुल उत्पाद, ये क्या होता है, कुल उत्पाद, है ना। कुल उत्पाद का मतलब क्या होता है, याद रखिए, कारकों का इस्तेमाल करके, दोनों ही कारकों की बात हो रही है, स्थिर और प्रवृत्ति, कारकों का इस्तेमाल करके, आप ये नोट करेंगे जो मैं लिख रहा हूँ आपके लिए, कारकों का इस्तेमाल करके कुल उत्पादन, जो कुल उत्पादन होता है, कुल उत्पादन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, टीपी कहते हैं, यानी कुल उत्पाद कहते हैं। दूसरी तरफ आता है आपका क्या, सीमांत उत्पाद, एमपी यानी मार्जिनल प्रोडक्ट सीमांत उत्पाद। सीमांत उत्पाद क्या होता है, इसको आप समझने की कोशिश करेंगे। आप सीमांत उत्पाद क्या होता है, एक और प्रवृत्ति कारक के इस्तेमाल से उत्पादन में जो वृद्धि होती है उसे हम कहते हैं क्या, सीमांत उत्पाद। और तीसरी तरफ आता है आपका औसत उत्पाद, जिसे हम क्या कहते हैं मेरे भाई, औसत उत्पाद को एपी कहते हैं, एवरेज प्रोडक्ट। ये क्या होता है, कुल उत्पाद और प्रवृत्ति कारक के बीच का क्या होता है, प्रवृत्ति कारक के बीच का अनुपात होता है। देखिए कैसे, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इनकी डेफिनेशन से भाई जो मैंने आपके लिए लिख दी हैं, बिल्कुल अपनी भाषा में सिंपल डेफिनेशन लिख दी हैं। अब मैं इनको थोड़ा सा सिलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपके लिए हो जाए थोड़ा सा आसान। चलिए अब एक एक को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कुल उत्पाद की। देखिए कुल उत्पाद का व्यवहार कैसा होता है, है ना। कुल उत्पाद की अगर मैं बात करूं तो जिसे आप कह रहे हैं टोटल प्रोडक्ट, क्या कह रहे हैं मेरे भाई, टोटल प्रोडक्ट। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं सर एक होता है आपका सीमांत उत्पाद, एक क्या होता है आपका सीमांत उत्पाद, जिसे आप एमपी के नाम से डिनोट कर रहे हैं, और एक होता है आपका औसत उत्पाद, जिसे आप एपी कह रहे हैं, इसे आप क्या कहेंगे, औसत उत्पाद कहेंगे मेरे भाई। इन तीनों के कुछ फॉर्मूले होते हैं जो आपको पता होना चाहिए। देखो कौन से फॉर्मूले होते हैं, जब भी हम कुल उत्पाद निकाल रहे होते हैं तो हमें जोड़ करना पड़ता है किसका, एमपी का जोड़ करके आप टीपी निकालते हैं, और टीपी एन में से टीपी एन माइनस वन घटाकर, यानी नीचे वाले टीपी में से ऊपर वाला टीपी घटाकर आप एमपी निकालते हैं। और औसत उत्पाद निकालने के लिए तो आपको टीपी को डिवाइड करना पड़ेगा एल से। ये तीन फॉर्मूले के बेस पर आप कुछ भी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको टेबल बना के दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये तो है के का मतलब है मशीन, एल मतलब मजदूर, ठीक है। उसके बाद आता है आपका मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है। इसके बाद आता है आपका टोटल प्रोडक्ट, और टोटल प्रोडक्ट के बाद आता है आपका एवरेज प्रोडक्ट। इस टेबल को बहुत ध्यान से देखना जो मैं यहाँ आपकी बनवाने वाला हूँ मेरे भाई। अब क्लियर, देखिए क्या ये टेबल बनने वाली है और किस तरीके से पेपर में आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। इस टेबल को थोड़ा सा ध्यान से आप देखने की फोकस करेंगे। देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ उगाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल उगाने की जगह उत्पादन करें आप, फॉर एग्जाम्पल आप पेन का उत्पादन करना चाहते हैं, किसका उत्पादन करना चाहते हैं, आप पेन का उत्पादन करना चाहते हैं, ठीक है भाई। तो आपकी के तो हो गई यहाँ पर मशीन, ये हो गई पेन बनाने वाली मशीन, और एल हो गए आपके मजदूर, डन। अब इस टेबल पर फोकस कीजिए, इसी नॉलेज को ध्यान में रखकर। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूँ मेरे भाई, नॉर्मल सी बात कहता हूँ कि मैंने एक मशीन लगाई, और मशीन हमेशा कितनी रहती है मेरी, एक मशीन ही मैं इस्तेमाल करता हूँ, वही मशीन रहती है मेरी, मशीन यहाँ पर बढ़ेगी नहीं। क्योंकि ये जो टेबल की मैं बात कर रहा हूँ, ये अल्पकाल की टेबल है मेरे भाई। ये कौन से काल की टेबल है, ये अल्पकाल की टेबल है। और अल्पकाल में होता क्या है मेरे भाई, अल्पकाल में के कभी चेंज नहीं होता। इसलिए अल्पकाल के प्रोडक्शन को हम ऐसे दिखाते हैं, के ऊपर बार लगाएंगे और एल, ये होता है अल्पकाल का उत्पादन फलन। ये अल्पकाल के उत्पादन फलन का फॉर्मूला है, है ना। ये उत्पादन फलन का फॉर्मूला अल्पकाल के, क्योंकि अल्पकाल में आपकी मशीनें चेंज नहीं होती। आप अगर चेंज कुछ कर सकते हैं तो आप केवल श्रम चेंज कर सकते हैं, मशीनों को यहाँ पर चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो श्रम को चेंज कर करके देखते हैं। अब मशीन तो हमेशा एक ही रहेगी, मशीन तो भाई हमेशा क्या रहेगी आपकी, एक ही रहेगी फॉर एग्जाम्पल। लेकिन अब मैंने क्या किया, एक मजदूर लगाया तो उसने कितने पेन बनाए, दो पेन बनाए। जब मैंने दूसरा मजदूर लगाया तो दोनों ने मिलकर पांच पेन बनाए। जब मैंने एक ही मशीन पर तीसरा मजदूर लगाया तो अब उन्होंने तीनों ने मिलकर छह पेन बनाए। जब मैंने चौथा मजदूर लगाया तो अब एक और एक्स्ट्रा पेन बनाने की बजाय उन्होंने क्या किया, केवल पांच पेन बनाए।
क्योंकि अब एक मशीन पे आप लेबर बढ़ाते जाओगे तो मशीन पर प्रेशर बनना शुरू होगा, नहीं होगा भाई, सीधी सी बात है, धक्का मुक्की होनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा जब पांचवा मजदूर आया तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने जीरो पैन बनाए, और जब छठा मजदूर उस मशीन पर जबरदस्ती लगा दिया गया तो बनाने की जगह उन्होंने दो पैन तोड़ दिए, तो प्रोडक्ट हो गया माइनस के दो। तो आपने देखा एमपी क्या हुआ, एमपी वही साबित हो गया कि जब एक एक प्रवृत्ति कारक को मिलाया जाता है उत्पादन में तो कुल उत्पादन में जो परिवर्तन होता है उसे सीमांत उत्पाद कहते हैं भाई। ये तो हो गया आपका प्रवृत्ति कारक, ये क्या है मेरे भाई, यही है आपका परिवर्ती कारक, डन। और ये है आपका स्थिर कारक, ये क्या है मेरे भाई, आपका स्थिर कारक, क्लियर। तो परिवर्ती कारक और स्थिर कारक तो आपको समझ में आ गया, परिवर्ती कारक मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 और के यानी स्थिर कारक 1, 1, 1 हमेशा रहेगा। और एक मशीन एक श्रम के साथ दो पैन बनाए जाते हैं, एक मशीन दो श्रम के साथ पांच पैन बनाए जाते हैं, इस तरीके से आप इस टेबल को समझेंगे। अब बात करते हैं टीपी कैसे निकलता है। टीपी का फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा, सिग्मा एमपी, एमपी को जोड़ते जाओ टीपी बनाते जाओ। पहले अगर मार्जिनल प्रोडक्ट दो था तो टीपी भी कितना होगा, दो, फिर दो में पांच जोड़ दो सात, सात में छह जोड़ दो तेरह, तेरह में पांच जोड़ दो अट्ठारह, अट्ठारह में जीरो जोड़ोगे अट्ठारह, अट्ठारह में से दो गए सोलह। तो आप देख पा रहे हैं टीपी क्या होता है, एमपी का कुल जोड़ ही टीपी होता है, एमपी का कुल जोड़। मैंने बताया था ना सिग्मा का मतलब क्या होता है, कुल जोड़। तो एमपी का कुल जोड़ ही क्या होता है, टीपी। औसत उत्पाद कैसे निकलेगा, इसको टीपी को डिवाइड करना पड़ेगा हमें किससे, के से। तो एक को दो से डिवाइड करेंगे तो दो ही आएगा, सात को एक से डिवाइड करेंगे, सॉरी सात को दो से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा भाई साहब, साढ़े तीन। अब तेरह को तीन से डिवाइड करेंगे तो तीन चौक बारह पॉइंट तीन तिया नौ, ठीक है। इसके अलावा 16, 18 को चार से डिवाइड करेंगे मेरे भाई, क्योंकि याद रखिए एपी का फॉर्मूला है टीपी अपॉन एल, रख के देखो यही वैल्यू आएगी। 18 को चार से डिवाइड करेंगे, चार चौक 16.4 × 20, इसके अलावा पांच दिया 15.5 × 30 और छह दुनी 12.6 × 36। तो ये बात आपको याद रखनी है मेरे भाई, इस तरीके से इन तीनों की टेबल बनती है, इसी तरीके से इन तीनों की टेबल बनती है मेरे भाई, याद रहेगी ये बात आपको। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ जाएंगे फिर हम, ठीक है। अब आपको बताना है कुल उत्पाद, औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद के वक्र, और इनमें संबंध भी बताने हैं आपको। अब देखिए पहले आपको टेबल से संबंध बताने आने चाहिए या फिर आपको नॉर्मल, पहले आप दोनों में संबंध संबंध लिख लो, पहले आप क्या करो मेरे भाई, पहले दोनों में संबंध लिख लो, देखो कैसे। पहले हम करते हैं एमपी और टीपी में संबंध, एक तरफ तो करते हैं एमपी और टीपी में संबंध, इन दोनों में क्या संबंध होता है, यहां पर तो हम लिखेंगे ये, फिर हम यहां पर लिखेंगे कि एमपी और एपी में क्या संबंध होता है, एमपी और एपी में क्या संबंध होता है, फिर हम करेंगे मेरे भाई ये एमपी और एपी में क्या संबंध होता है, और यहाँ पे हम इन तीनों के बना लेंगे मेरे भाई वक्र। यहाँ पर क्या बना लेंगे, हम इन तीनों के वक्र बना लेंगे, जो कि एज अ होमवर्क आप बनाएंगे अपने आप। देखिए थोड़ा काम तो आपको भी दूंगा मैं घर से करने के लिए, आप इन तीनों के वक्र बनाएंगे, मैं बताता हूँ इनमें संबंध। पहला संबंध नोट कीजिए, जब सीमांत उत्पाद बढ़ रहा होता है, जब सीमांत उत्पाद बढ़ रहा होता है तो टीपी बढ़ता है भाई, टीपी भी बढ़ता है। दूसरा संबंध, जब एमपी घट रहा होता है, जब एमपी घट रहा होता है तो टीपी फिर भी बढ़ रहा होता है, लेकिन यहाँ पर घटती दर होगी, यहाँ पर टीपी की दर कैसी होगी, घटती दर, और यहाँ पर टीपी की दर कैसी होगी मेरे भाई, बढ़ती दर। क्योंकि याद रखिए कि एक लाइन में आपको बताता हूँ, जिंदगी में याद रखना, टीपी एमपी जो है वो टीपी की दर होती है। टीपी किसके आधार पर व्यवहार करता है, एमपी के आधार पर व्यवहार करता है, एमपी बढ़ेगा टीपी बढ़ेगा, एमपी घटेगा टीपी फिर भी बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर एमपी आपका जीरो हो जाता है, एमपी बराबर जीरो, तो टीपी सबसे ज्यादा होगा, यानी टीपी क्या होगा हमारा, अधिकतम होगा भाई, टीपी क्या होगा हमारा, अधिकतम होगा। इसके अलावा फोर्थ पर फोकस करना, अगर एमपी आपका ऋणात्मक माइनस की कोई वैल्यू होगा तो टीपी क्या होगा भाई, घटता है, टीपी क्या होता है, घटता है। ये चार संबंध मैंने आपको बता दिए मेरे भाई, क्या आपको ये बात क्लियर हुई। वक्र तो आपको इन तीनों के खुद बनाने हैं, एज अ होमवर्क आपको तीनों के वक्र बनाने हैं कि एमपी का वक्र कैसे बनता है, इसके अलावा आपका टीपी का वक्र कैसे बनता है और एपी का वक्र कैसे बनता है। ये आपको थोड़ा सा टेबल के अकॉर्डिंग बना के देखना, जो ऊपर टेबल मैंने बनवाई थी ना उस टेबल के अकॉर्डिंग बना के देखना, आपको समझ में आ जाएगा। आप कहोगे सर हम कैसे बनाएंगे, तो मैं थोड़ा सा आइडिया आपको बता देता हूँ कि याद रखना एमपी हो टीपी हो या एपी हो, उसे तो आप दिखाएंगे वाई अक्ष पर और नीचे दिखाएंगे एल, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पर एल की इकाइयाँ दिखा देंगे 1, 2, 3, 4, 5, और इधर दिखा देंगे अपनी किसकी वैल्यू, और इस तरीके से आपके क्या बनेंगे एमपी टीपी और एपी वक्र बन जाएंगे मेरे भाई, डन। अब एमपी और एपी में संबंध देख लो, जब एमपी एपी से ज़्यादा होगा, जब एमपी एपी से ज़्यादा होगा तो इस कंडीशन में औसत उत्पाद बढ़ेगा, इस कंडीशन में औसत उत्पाद बढ़ेगा। जब एमपी एपी के बराबर होगा, जब एमपी एपी के बराबर होगा
तो इस कंडीशन में एपी सबसे ज्यादा होगा, एपी क्या होगा मेरे भाई सबसे ज्यादा, एपी क्या होगा इस कंडीशन में आप लिखेंगे कि जब एमपी एपी के बराबर होगा तो इस कंडीशन में एपी सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा। और तीसरी कंडीशन होती है जब एमपी एपी से कम होता है तो इस कंडीशन में क्या होता है मेरे भाई एपी घटने लगता है, एपी क्या करने लगता है घटने लगता है। तीनों संबंध मैंने आपको बता दिए, वक्र आप अपने आप बना ही लेना भाई, थोड़ा सा इससे आपको सहायता मिल जाएगी। वक्र बनाकर ये पॉइंट्स आपको लिखने होते हैं, ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि सीमांत उत्पाद वक्र और औसत उत्पाद वक्र में आपको संबंध बताना है और कुल औसत सीमांत उत्पाद वक्र भी आपको बनाने आने चाहिए। डन, इतनी सी बात आपको क्लियर हुई मेरे भाई। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले कंटेंट की तरफ जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ, अब शुरू होता है असली चैप्टर। तो ये क्वेश्चन भाई साहब 1000 नहीं तो 200 करोड़ तो परसेंट जरूर आएगा। कितनी अजीब सी बात मैं कर रहा हूँ, पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए बेहूद की बात करनी पड़ती है। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले 3 साल के एग्जाम में हर बार आया, ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जब ये क्वेश्चन ना आया हो कि परिवर्ती अनुपात का नियम क्या होता है। उम्मीद है आपको साफ साफ दिखाई दे ही रहा होगा मेरे भाई। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया मेरे भाई, नॉर्मल सा ये क्वेश्चन है, इस पर आप फोकस कीजिए। बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा कि परिवर्ती अनुपात का नियम क्या है। क्या है परिवर्ती अनुपात का नियम? है एक कारक का प्रतिफल। उत्पादन के 3 अवस्थाएं परिवर्ती अनुपात का नियम होता है, इसलिए इसके लिए पहले मैं आपकी टेबल बनवाऊंगा। अभी मैंने एक टेबल बनाई थी, फिर से आप उस टेबल को बनाना सीखें। के एल बनाते हैं हम, फिर एमपी बनाते हैं, फिर टीपी बनाते हैं, और फिर क्या बनाते हैं मेरे भाई एपी बनाते हैं। इतनी बात तो आपको पता ही होगी। चलिए इस टेबल को कंप्लीट कीजिए मेरे साथ, मैं टेबल बनाने सिखाता हूँ आपको। आपको करना कुछ नहीं है, इस टेबल को बनाते समय 2-3 बातों का ध्यान रखना है। कभी कहो सर आपकी टेबल रटनी पड़ेगी, भाई रटनी नहीं है। देखो याद रखिए इसमें तो हमेशा वैल्यू क्या रहेगी मेरे भाई, एक एक रहेगी, एक 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 6 बार ले लो। ले लिया एक एक 6 बार, ठीक है। इसके अलावा इसे 1 2 3 4 5 6 छह तक यहाँ गिनतियाँ लिख ली। तो शुरुआत में हमें सीमांत उत्पाद को बढ़ते हुए दिखाना है। तो सीमांत उत्पाद बढ़ेगा कैसे? पहले 5 था, फिर ये क्या हो गया भाई, फिर ये 8 हो गया, बढ़ गया। अब इसको घटाओ, फिर ये कितना हो गया, फिर ये 3 हो गया, है ना। फिर ये कितना हो गया भाई, 2 हो गया, फिर ये 0 हो गया, और फिर ये माइनस का 1 हो गया। याद रहेगा सीमांत उत्पाद को पहले बढ़ाना है, फिर घटाना है, फिर 0 करना है, फिर ऋणात्मक। 4 कंडीशन आपको बना के दिखानी है पेपर में। इसके अकॉर्डिंग टीपी निकालोगे तो पहले तो 5 ही रहेगा, फिर 8 और 5 क्या हो जाएगा मेरे भाई, 8 और 5 हो जाएगा 13, फिर 13 और 3 कितना हो जाएगा मेरे भाई 16, फिर 16 और 2 कितना हो जाएगा मेरे भाई 18, 18 में अगर आप 0 जोड़ोगे तो मेरे भाई 18, और 18 में से 1 घटा दोगे तो 17। तो इस तरीके से निकालते हैं अपनी किसकी वैल्यू, हम टीपी की वैल्यू निकालते हैं। एपी कैसे निकलेगा? टीपी अपॉन एल, लेकिन ये एपी आप खुद निकाल लेना मेरे भाई, क्योंकि मेरे को टीपी एपी की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। परिवर्ती अनुपात का नियम जब हम बता रहे होते हैं तो उसमें हमें एपी की कोई खास ज़रूरत नहीं होती। तो एपी का कॉलम आप खुद बना लेना मेरे भाई, यहाँ से मैं एपी का कॉलम को मिटा रहा हूँ। ये कॉलम आप अपनी कॉपी में पर जरूर बनाना फॉर द प्रैक्टिस, डन, क्योंकि मुझे यहाँ पर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। परिवर्ती अनुपात के नियम में केवल टीपी और एमपी की आवश्यकता होती है, एपी की कोई भी विशेष आवश्यकता हमें नहीं होती। डन, इतनी सी बात आपको याद रखने की। डन, अब मैं आपको दिखाता हूँ उत्पादन की 3 अवस्थाएं कहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं, तीनों पर आप नोट करना। देखो पहली अवस्था आपको दिखाई दे रही होगी ये वाली, इस एमपी को मैं साइड में लिख लूँ एक बार, इस एमपी को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एल के साथ, इस टेबल में से निकाल के एमपी को साइड में लिख लेता हूँ, क्योंकि सारा खेल भाई साहब मार्जिनल प्रोडक्ट यानी सीमांत उत्पाद का है। बनाए इस टेबल को एक बार, यहाँ 6 तक गिनती, 1 2 3 4 5 6। एमपी कैसा था मेरा? पहले 5 था, फिर 8 था, फिर 3 हुआ, फिर 2, फिर 0, फिर 1। अब इसके अकॉर्डिंग आपको उत्पादन की 3 अवस्थाएं पेपर में दिखानी पड़ेंगी मेरे भाई। कौन सी 3 अवस्थाएं? पहली अवस्था यहाँ से यहाँ तक चलती है, दूसरी अवस्था यहाँ से यहाँ तक चलती है, और तीसरी अवस्था है ये, और ये होती है हमारी थर्ड कंडीशन। पहली कंडीशन जिसमें एमपी क्या होता है, एमपी बढ़ रहा होता है, एमपी क्या होता है, बढ़ रहा होता है। डन मेरे भाई। और इसके साथ साथ टीपी भी क्या होता है, बढ़ता है। दूसरी कंडीशन पर फोकस करो, कंडीशन नंबर सेकंड में क्या होता है, एमपी घट रहा होता है, एमपी घट रहा होता है, है ना। तो इस कंडीशन में क्या होता है, एमपी घट रहा होता है, तो पर इस कंडीशन में टीपी फिर भी क्या हो रहा था, बढ़ रहा होता है, ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या है भाई, इसमें क्या होता है, एमपी ऋणात्मक होता है, कैसा होता है, एमपी ऋणात्मक होता है, ठीक है। और एमपी ऋणात्मक होता है तो साथ साथ इसमें फिर टीपी क्या होगा भाई, टीपी अब की बार घटने लगेगा। तो ये उत्पादन की 3 अवस्थाएं होती हैं जो परिवर्ती अनुपात में होती है। अब परिवर्ती अनुपात की डेफिनेशन लिखो जो मैं बोल रहा हूँ, लिखो
परवर्ती अनुपात एक ऐसा नियम है जिसमें यह दिखाया जाता है कि कुछ स्थिर कारकों के साथ जब परवर्ती कारक फॉर एग्जाम्पल मजदूरों को उत्पादन में शामिल किया जाता है तो सीमांत उत्पाद शुरू में क्या होता है, बढ़ता है, फिर सीमांत उत्पाद घटता है, फिर शून्य हो जाता है और फिर अंत में ऋणात्मक हो जाता है। इसका सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है, टोटल प्रोडक्ट यानी कुल उत्पादन पर पड़ता है। अब इनके अलग अलग नाम भाई साहब पेपर में आपसे पूछे जाते हैं, इसके अलग अलग नाम पेपर में आपसे पूछे जाते हैं कि जब MP बढ़ रहा होता है और TP भी बढ़ता है तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं भाई साहब बढ़ता प्रतिफल, इसे क्या कहते हैं बढ़ता प्रतिफल, है ना, या फिर इसका दूसरा नाम है वर्धमान प्रतिफल। दूसरा नाम क्या है इसका, वर्धमान प्रतिफल। और याद रखिए एक बात, यहाँ पर याद रखना कि ये जो उत्पादन की तीन अवस्थाएं आपको दिखा रही हैं ये एक कारक का प्रतिफल है। ये क्या है मेरे भाई, एक कारक का प्रतिफल, क्योंकि यहाँ पर केवल और केवल श्रम में बदलाव आप कर सकते हैं, पूंजी यहाँ पर चेंज नहीं होगी, पूंजी स्थिर रहेगी और श्रम क्या होगा यहाँ पर चेंज होगा। के ऊपर बार लगा दिया मैंने, वो के ऊपर बार है भाई, याद रखना। आपसे अगर थोड़ी सी भी आपको कन्फ्यूजन हो कि सर ये क्या है, तो ये के ऊपर बार है। ये क्या है, के ऊपर बार, क्योंकि ये पूंजी को दिखाता है, पूंजी चेंज नहीं होगी, श्रम चेंज होगा। क्लियर, ये तो हो गया आपका बढ़ता प्रतिफल। इसके अलावा MP घट रहा होता है, TP फिर भी बढ़ता है, इसे हम कहते हैं ह्रासमान प्रतिफल। इसे क्या कहते हैं मेरे भाई, कारक का ह्रासमान प्रतिफल। ये उत्पादन की तीन अवस्थाएं होती है मेरे भाई। और ये ऋणात्मक प्रतिफल को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कारक का ऋणात्मक प्रतिफल। इसे क्या कहते हैं, ऋणात्मक प्रतिफल। तो भाई परिवर्तनीय अनुपात के नियम में यही आपको पेपर में करके आना, जितना मैंने कर दिया है इससे आपको बटे बटे नंबर मिल जाएंगे। चलिए मेरे भाई आगे बढ़ जाएं, इसके स्क्रीनशॉट आपने ले ही लिया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं बढ़ता प्रतिफल। बढ़ता प्रतिफल मैंने आपको बताया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारा MP क्या हो रहा होता है मेरे भाई, बढ़ रहा होता है। बढ़ते प्रतिफल की तीन पहचान, MP बढ़ रहा होता है पहली कंडीशन, दूसरा TP भी क्या होता है, TP भी बढ़ता है, इसे बढ़ता प्रतिफल कहते हैं, TP भी बढ़ता है। और तीसरी कंडीशन जो हमारा औसत उत्पाद होता है, औसत उत्पाद भी क्या हो रहा होता है भाई, बढ़ रहा होता है, बढ़ रहा होता है। क्योंकि इस कंडीशन में होता क्या है, इस कंडीशन में MP ज़्यादा होता है AP से, इस कंडीशन में MP AP से ज़्यादा होता है। लेकिन TP के बारे में एक बात याद रखना कि यहाँ पर TP कैसे बढ़ता है, बढ़ती दर से बढ़ता है, बढ़ती दर से बढ़ता है। क्लियर भाई, तो बढ़ती दर से बढ़ता है कौन, TP। और याद रखिए एक लाइन यहाँ पर मैं आपके लिए नोट कराना चाहूँगा मेरे भाई, अलग कलर से आप इसे नोट करेंगे कि MP जो है वो TP की दर होती है, MP TP की दर होती है, MP TP की दर होती है, ये बात आपको याद रखनी है मेरे भाई। क्लियर, इतना सा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ बढ़ते प्रतिफल के बारे में, अगर आपसे कोई पूछ ले तो आपको यही बातें वहाँ पर बतानी है, डन। इसके अलावा क्यों होता है, पहला कारण ये बढ़ते प्रतिफल का कारण है मेरे भाई, ये जो आपको हेडिंग दिखाई दे रही है ना ये किसका कारण है, बढ़ता प्रतिफल का कारण। बढ़ते प्रतिफल का पहला कारण आपको दिखाई दे रहा होगा कि उत्पादन के संसाधनों में अनुकूलन होता है, यानी जो संसाधन होते हैं उन संसाधनों में आपसी क्या होता है, संसाधन में या फिर संसाधनों में आपसी, संसाधनों में आपसी अनुकूलन होता है, संसाधनों में आपसी अनुकूलन। आपसी अनुकूलन का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल भाई संसाधन दो प्रकार के मैंने आपको बताया था अभी, एक मशीन जिसे आप K से डिनोट करते हैं और एक श्रम जिसे आप L से डिनोट करते हैं, तो इनके बीच में अच्छी खासी बैलेंसिंग चल रही होती है, दोनों के बीच में अच्छा खासा कोऑर्डिनेशन चल रहा होता है मेरे भाई। क्या चल रहा होता है मेरे भाई, कोऑर्डिनेशन चल रहा होता है ना, आपसी सहयोग अच्छा चल रहा होता है, इसलिए शुरू में क्या होता है सीमांत उत्पाद बढ़ता है, याद रहेगा। तो सीमांत उत्पाद क्यों बढ़ता है, ये इसका पहला कारण आपको मिल गया कि उत्पादन के संसाधनों में क्या होता है, अच्छा खासा संतुलन चल रहा होता है, एक अच्छी खासी मशीन पे कम लोग काम कर रहे होते हैं तो अच्छा उत्पादन हो पाता है, डन। ये वाली बात आपको याद रखने की है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब आता है स्थिर साधनों का बड़ा आकार। भाई शुरुआत में होता क्या, ये भी किसका कारण है पता है आपको, वर्धमान प्रतिफल का कारण है, ये भी, ये दूसरा कारण है बढ़ते प्रतिफल का, वर्धमान या बढ़ते प्रतिफल का दूसरा कारण, एक ऊपर बताया अभी, एक क्या है बढ़ते प्रतिफल का कारण, है ना, वर्धमान ये बढ़ते हैं, क्या बढ़ते हैं, यहाँ पर बढ़ता है आपका सीमांत उत्पाद। तो जब सीमांत उत्पाद बढ़ रहा होता है तो उसका दूसरा कारण है कि स्थिर संसाधन ज़्यादा होते हैं हमारे पास। भाई स्थिर साधन तो क्या होंगे, ज़्यादा होंगे शुरू में, सीधी सी बात है, स्थिर साधन तो ज़्यादा होते हैं और श्रम की संख्या क्या होती है, कम। तो तुम ही सोचो एक मशीन पर, फॉर एग्जाम्पल ले लो इसका आप, एक मशीन पर 8 लोग काम कर सकते हैं
उस पर अभी आपने 6 ही लगाए हैं, तो क्या मशीन पर कोई भी प्रेशर पड़ेगा? क्या मशीन पर कोई भी प्रेशर पड़ेगा? आप कहेंगे नहीं सर, मशीन पर कोई प्रेशर नहीं पड़ेगा, अच्छा खासा उत्पादन होगा। इसलिए इस कंडीशन में सीमांत उत्पाद बढ़ता है और इसे हम कहते हैं बढ़ता प्रतिफल। तो बढ़ते प्रतिफल का दूसरा कारण आपको समझ में आया कि स्थिर संसाधनों का बड़ा आकार होता है, मशीन का आकार बड़ा होता है और जब उस पर कम लोग काम कर रहे होते हैं तो उससे सीमांत उत्पाद बढ़ता है मेरे भाई। इतनी सी बात आपको याद रखनी है, क्लियर? चलिए अब आता है आपका स्थिर प्रतिफल क्या होता है। मैंने आपको बताया था एक ऐसी कंडीशन भी आती है परवर्ती अनुपात के नियम में, जब एमपी ना तो बढ़ रहा होता है, जब एमपी ना तो क्या हो रहा होता है मेरे भाई, घट रहा होता है, ये भी कंडीशन नहीं होती वहाँ पे, और जब एमपी ना तो शून्य के बराबर होता, ये तीनों ही कंडीशन आपको वहाँ देखने के लिए नहीं मिलती, बल्कि चौथी कंडीशन होती है जब एमपी क्या हो रहा होता है, स्थिर होता है कुछ समय के लिए। एमपी क्या होता है? स्थिर होता है, ना तो बढ़ रहा होता है ना घट रहा होता है, बल्कि एक पेस पे चल रहा होता है, इसे ही हम कहते हैं स्थिर प्रतिफल। स्थिर प्रतिफल तब होता है जब आपके स्थिर संसाधन और परिवर्तित संसाधन दोनों में एक अच्छा तालमेल स्थापित हो जाता है। तो अच्छे तालमेल के कारण किस किस के बीच में भाई, संसाधन के या फिर कारकों के, दो प्रकार के कारक बताए थे मैंने आपको, संसाधन कह लो या कारक कह लो, संसाधनों या कारकों के बीच में जब क्या हो रहा होता है मेरे भाई, जब इन दोनों के बीच में एक अच्छा खासा कॉम्बिनेशन हो रहा होता है, इन दोनों संसाधनों के बीच में अच्छा खासा क्या हो रहा होता है, तालमेल होता है, तो उस समय हमारा जो एमपी होता है, वो एमपी जो होता है वो एमपी कैसा रहता है मेरे भाई, स्थिर रहता है। हर किसी के कारण मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ, ये बात भी आप कर लेंगे नोट। नेक्स्ट की बात, घटते प्रतिफल की व्याख्या। भाई प्रतिफल घटता क्यों है? घटता प्रतिफल यानी जब आपका एमपी घट रहा हो और एपी क्या हो रहा हो, एपी आपका ज्यादा हो एमपी से, एपी क्या हो आपका एमपी से ज्यादा हो, एमपी कम हो गया हो, और तीसरी कंडीशन टीपी जो है इस समय घटती दर से बढ़ता है। टीपी क्या है? घटती दर से बढ़ता है, इसे हम कहते हैं घटता प्रतिफल। टीपी जो है वो घटती दर से बढ़ता है, ये बात तो आपने क्या कर ली, नोट कर ली मेरे भाई। अब घटते प्रतिफल में एमपी घट रहा होता है, कारण क्या? दो तीन कारण है इसके। कारण क्या भाई? स्थिर संसाधनों का ज्यादा प्रयोग कर दिया भाई, स्थिर कारकों का ज़्यादा प्रयोग कर दो भाई। एक मशीन पर 50 बंदे लगा दोगे तो उससे क्या होगा, उत्पादन बढ़ने की बजाय घटेगा। दूसरा, श्रम की अधिक संख्या हो जाती है, श्रम ज़्यादा हो जाता है तो इसलिए क्या होता है, उत्पाद घटने लगता है। तो श्रम की अधिक संख्या, जब श्रम की संख्या ज़्यादा हो जाती है, अधिक संख्या हो जाती है, तो घटता प्रतिफल उसे ही हम कहते हैं। याद रहेगी इतनी सी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया बिल्कुल मेन सी बात, परवर्ती अनुपात का नियम आपको हो गया होगा क्लियर। आज की क्लास को करते हैं यही खत्म, उम्मीद है बाकी क्लास आपकी शाम को या कल सुबह ली जाएंगी एग्जाम से पहले। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू भाई, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में। और एक और बात, जो मेरे भाई बार बार कह रहे हैं कि सर ये वाली क्लास ले लो, ये वाली कौन सी वाली क्लास मेरे भाई, ये वाली BECC 133-134। तो 34 की क्लास अभी बस हाफ एन आवर में तैयार हो रही है आपके लिए, हाफ एन आवर में क्लास ली जाएगी आपकी BECC 134 की, जिसमें मैं बुक में से आपको बताऊंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके कल 12 जून के एग्जाम में आने वाले हैं, बुक में से बता दूंगा, क्योंकि ये जरूर सेकंड ईयर के स्टूडेंट होंगे, ये जरूर सेकंड ईयर के स्टूडेंट होंगे 134 वाले। सेकंड ईयर के थोड़े परेशान रहते हैं क्योंकि सेकंड ईयर की इकोनॉमिक्स थोड़ी सी टिपिकल है मेरे भाई, लेकिन अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता चल जाए तो आप इसे अटेम्प्ट कर पाएंगे। आप अभी के लिए केवल इतना युद्ध विराम देते हैं, इसकी क्लास भी हम लेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार मेरे भाई।